पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहा हूं का ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद सारे मुद्दे छोड़ लोग इसी पर चर्चा करने में जुट गए। कोई अपने लोकप्रिय नेता से सोशल मीडिया ना छोड़ने की अपील कर रहा है तो कोई कह रहा है कि ये पीएम मोदी का पब्लिसिटी स्टंट है। इस बीच विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी ट्वीट कर जमकर मजे लिए और सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। वहीं यूपी के पूर्व सीएम और एसपी नेता अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के ट्वीट पर अपने तरीके से तंज कसा। उन्होंने बिना पीएम को कोट किए ट्वीट किया, सामाजिक संवाद के रास्ते बंद करने की सोचना अच्छी नहीं है बात, छोड़ने के लिए और भी बहुत कुछ सार्थक है साहब, जैसे सत्ता का मोह लगाव, विद्वेष की राजनीति का ख्याल, मनमर्जी की बात, चुनिंदा मीडिया से करवाना मनचाहे सवाल और विश्व विहार। कृपया इन विचारणीय मुद्दों पर भी करें विचार। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के मैसेज का अलग ही मतलब निकाला। उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि देश में सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा। थरूर ने लिखा, पीएम मोदी की अचानक घोषणा से कई लोग परेशान हैं कि क्या देश भर में इन सेवाओं को बंद करने की भूमिका है। वैसे पीएम मोदी को खुद अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया अच्छी, सकारात्मक और जरूरी संवाद की अच्छी शक्ति है, इसका इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे और वे सोमवार की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, सोच रहा हूं सोमवार को क्या करना चाहिए। वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि सोशल मीडिया से हटने की बात कहना पीएम मोदी का ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक चाल है। बता दें कि इन दिनों बिहार और झारखंड में रैली कर रहे सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने जीडीपी को लेकर तंज मारा। बिना पीएम मोदी का नाम लिए उन्होंने लिखा, जीडीपी लगे गिरने तो टीआरपी स्टंट लगे बढ़ने। उन्होंने भले ही पीएम मोदी का नाम ना लिखा हो लेकिन ट्वीट की टाइमिंग से तो यही लग रहा है कि वो उन पर तंज मार रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पिछले महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली मुलाकात होगी। दोनों के बीच मुलाकात सुबह 11 बजे हो सकती है। यूं तो इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद की स्थिति और पुनर्वास को देखते हुए यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मौके पर केजरीवाल दिल्ली हिंसा पर भी बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा था कि वे दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद उन्होंने बीते 19 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में दिल्ली के विकास के मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल और अमित शाह के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात 15 मिनट तक चली थी। दिल्ली के कई इलाकों में 1 मार्च को फैले दंगे की अफवाह के बाद दिल्ली पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 21, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से 2 और रोहिणी से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 FIR दर्ज किया है। दिल्ली में रविवार की रात अचानक अफवाह से दहशत फैल गई थी। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर ली थी। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए गए थे। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और कहा कि यह महज एक अफवाह थी। गौरतलब है कि रविवार शाम को अचानक दिल्ली में अफवाह का माहौल बन गया था। तिलक नगर, उत्तम नगर, जाकिर नगर समेत क्षेत्रों में हिंसा को लेकर अफवाह फैल गई थी। इस दौरान लगातार बाजारों में हलचल तेज थी। इन अफवाहों के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और सड़कों पर उतरकर अफवाहों को गलत करार दिया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों के नालों से शवों को मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी भागीरथी विहार के नाले से एक शव मिला जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस आईबी कांस्टेबल अंकित शर्मा समेत अब तक 8 शव नाले से बरामद किए जा चुके हैं। हिंसा के दौरान 26 फरवरी को चांदबाग पुलिया के पास पुलिस ने सबसे पहले नाले से आईबी कांस्टेबल अंकित का शव बरामद किया था। इसके अगले दिन 27 फरवरी को पुलिस ने गोकुलपुरी और गगन विहार के नालों से 2 शव बरामद किए। फिर 1 मार्च को गोकुलपुरी शिव विहार और भागीरथी विहार के नालों से 4 शव बरामद हुए। वहीं सोमवार को पुलिस ने भागीरथी विहार नाले से 1 शव बरामद किया। नालों से लगातार शवों के मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को शक है कि नालों में अभी और शव हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि हिंसा के दौरान लोगों की हत्या कर शवों को छिपाने के लिए नाले में फेंके गए होंगे जिनकी संख्या अधिक हो सकती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि नाले से मिलने वाले शव हिंसा के दौरान है या नहीं, जाँच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसका पता चल सकेगा।
निर्भया मामले में चार दोषियों की फांसी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। पुराने डेथ वारंट के मुताबिक सभी दोषियों को आज सुबह 6 बजे फांसी की सजा दी जानी थी। यह फैसला सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सुनाया। उन्होंने कहा कि जब तक किसी दोषी के पास कानूनी विकल्प मौजूद है तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा फांसी टालने का एक और मुख्य कारण ये रहा कि दोषियों में से एक की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, जिसके बाद डेथ वारंट पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने तीसरी बार डेथ वारंट को टालते समय कहा है कि कोई दोषी जब अपने रचयिता से मिले तो उसके पास ये शिकायत ना हो कि उसे सभी कानूनी विकल्पों को आजमाने की इजाजत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका के निस्तारण तक मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा, पीड़ित पक्ष की तरफ से कड़े प्रतिरोध के बावजूद हमारा विचार है कि किसी भी दोषी के मन में अपने रचयिता से मिलते समय ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि देश की अदालत ने उसे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने में निष्पक्ष रूप से काम नहीं किया।